हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं आरडी के रियर पावर विंडो जो कि इंस्टॉल है इसी कार में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये है वागन आर LXI 2013 मॉडल। इसमें सिर्फ आगे की तरफ पावर विंडो था, पीछे पावर विंडो नहीं था, तो हम लोगों ने इसमें आरडी के पावर विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है इसका कंट्रोलर, इसमें एक ही बटन है। देखिए इसका फिटिंग कितना अच्छा है, इसमें कोई भी गैप नहीं है। जैसे इतना अच्छा फिटिंग है जैसे कि ये कंपनी फिटेड है उसी तरह लग रहा है। यहाँ पे ये जो मार्क आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये एक्चुअली रात को ग्लो करेगा, अंधेरे में देखेगा ये ग्लो करेगा, ब्लू कलर की लाइट दिखाई है। और यहाँ पे आरडी का ब्रांडिंग है। अगर ये आप कंपनी से इंस्टॉल करवाते तो इसका कॉस्ट इसके मतलब 5 गुना ज़्यादा आ जाता, लेकिन यहाँ पे आरडी का ब्रांडिंग है, इसका प्राइस थोड़ा कम है। और ये देखिए कितना स्मूथली ऑपरेट हो रहा है, बहुत ही कम आवाज़ में। ऐसे ही दूसरे तरह भी आप देख सकते हैं। कैप्शन में ऊपर पढ़ चुके होंगे कि हमारा आज आरडी का रियर पावर विंडो फिटिंग हो रहा है, ये भुवनेश्वर में हो रहा है। और मेरे साथ है अभी कंपनी के असिस्टेंट सेल्स मैनेजर मिस्टर प्रसन्न दास जी, उनके मुंह से सुनते हैं ये प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट देखिए, हमारा आरडी जो है ना, जो रजतदीप ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये कंपनी जस्ट लाइक, तो यू कैन चूज द ब्रांड एंड इसका जो क्वालिटी है ना, तो क्वालिटी आप हमारा कस्टमर है तो अभी आप यूज करेंगे तो आपका जो व्यू होगा ना, इसी व्यू को लेकर मेरा कंपनी के बारे में हमेशा कस्टमर भी सोचेंगे कि वो प्रोडक्ट कैसा है। और एक चीज है कि इसमें कोई वायर कट नहीं हो रहा है, पूरा कपलर टू कपलर जॉइंट है, तो वारंटी वॉइड होने का कोई चांसेस भी नहीं। जी, वारंटी का कोई इशू नहीं है। तो थैंक्स ए लॉट फॉर चूज आरबी। तो आपका जो वारंटी है ना, वारंटी कवर करेगा एनी टाइम एनी इशू। तो यू कैन कॉल टू आर टोल फ्री नंबर और यू कैन कॉल टू डायरेक्टली मी, तो आई कैन हेल्प यू। और जैसे कि कंपनी का अभी वारंटी भी मिल रहा है प्रोडक्ट के ऊपर। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप बताइए आपका फीडबैक।